हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ घूमने, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, पास ही में जा रही हूँ। और दोस्तों, बच्चे ने बहुत जिद किया कि मम्मी चलो कहीं घूमने, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा दोस्तों। और मैं भी जल्दी में ही आई थी, बस उसी जगह जा रही हूँ। तो ऑटो मिल गई दोस्तों, ऑटो में बैठ गई हूँ, बस जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग सामान बेच रहे हैं। बच्चों का खिलौना है, एयर रिंग है, और आइसक्रीम है, पानी पूरी है, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक सब कुछ में। मतलब दोस्तों, हल्का फुल्का, ये नहीं कि कपड़ा लत्ता भी मिल रहा है, नहीं। तो दोस्तों, आते वक्त इतना ठंड लग रही थी, तो हमें लग रहा था कि हमें कोट पहनना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी। पर अच्छा किया नहीं पहन के आए अच्छा किया नहीं पहन के आए, धूप बहुत तेज लग रही है। और हम आपको दिखाते हैं, अच्छा जब आए थे ये बना था क्या? नहीं ना, क्या? ये जो जो पिलर खड़ा है, तो दोस्तों धीरे धीरे अभी हम लोग जल्दी में, क्या मतलब 2-3 महीना हो गया होगा आए हुए, आए थे तब से अब देखिए। तो दोस्तों, अब तो यहाँ पे चेकिंग भी चालू हो गया है, और हम लोग पहले आए थे तो वहाँ चेकिंग वेकिंग नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे भी चेकिंग हो रहा है आने लायक। लेकिन रात में कौन है, हम लोग नहीं आ पाते, नहीं तो रात में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा लाइट वाइट जलता है ना, बहुत अच्छी अच्छा लगता है। पूरा फुलवारी वाली लगा सब निकाल गया लग रहा है उस दिन ना। तो दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं, और ये सब अंदर का है। और दोपहर के टाइम में गए थे दोस्तों, और सुबह या शाम में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग करीब 11-12 बजे निकले थे घर से। तो काफ़ी भीड़ नहीं थी, पब्लिक थी लेकिन बहुत ही कम थी। तो देख, तो दोस्तों अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, और यहाँ से दोस्तों हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर, वहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे रूम पे। तो दोस्तों, वहाँ से आ गए सारनाथ, सारनाथ से फिर जा रहे हैं मंदिर, शिव मंदिर जा रहे हैं दोस्तों। और अभी कितना दूर है, उस दिन तो ऑटो से आए थे, आज पैदल ही जा रहे हैं। और उदित बहुत खुश है, मैं दौड़ा रही हूँ आपको, कुछ भी
कितना अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है पैर का, नहीं बस बिस्तर पे पड़े रहोगे। तो दोस्तों ये पेंटिंग देख के लग रहा है कि नहीं सही रास्ते पे आ रहे हैं, और उदित भी कंफ्यूज है कि सही आ रहे हैं कि नहीं। आपको याद है क्या, आप तो मुझसे पूछ रहे मम्मी सही आ रहे हैं कि नहीं। इस रास्ते से नहीं आए थे सर दोस्त, इस रास्ते से नहीं आए थे, पता नहीं ये झूठ भी बोलता है। वाओ यार यार स्कूल कितना बढ़िया मैं किया उदित, है ना। तो दोस्तों सच बताए तो थक तो गए हैं, पर बाबा का दर्शन करना है इसीलिए हम सोचे थोड़ा पैदल ही चलें। और उदित बोल रहा है कि मम्मी बस थका रही हो। तो चले उदित चले। तो दर्शन तो हो गया, आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ भोलेनाथ का। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे घर पे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे आए एक हफ्ता से ऊपर हो गया था, पर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब यहाँ से मैं दोस्तों जा रही हूँ घर पे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग अपना अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखें।